नमस्कार और आप देख रहे हैं पल भर। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने दी दीपावली पर्व की बधाई। प्रदूषण मुक्त त्यौहार मनाने का भी किया आह्वान। कम से कम पटाखों का करें प्रयोग। पटाखों के शोरगुल और धुआं दोनों खतरनाक हैं। पलवल शीर्षक से विशेष रिपोर्ट। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने जिलावासियों को दीपावली की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकाश व उत्साह का त्यौहार है दीपावली। सभी के जीवन में ये नई खुशियां और उमंग लेकर के आता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष त्यौहार को अधिक सावधानी से बरतते हुए परिवार और अपने सभी मित्रों के साथ हर्षोल्लास से मनाएं, साथ ही जहां तक हो सके खुशियां बांटें। उपायुक्त ने बताया कि हालांकि दीपावली के दिन 2 घंटे की छूट पटाखों के लिए दी गई है, फिर भी वे आमजन से अपील करते हैं कि प्रदूषण मुक्त दिवाली ही मनाएं और कम से कम पटाखों का प्रयोग करें। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि पटाखों से वातावरण प्रदूषित होता है और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है। वहीं से लोगों को सांस, आंखों या नाकों को बीमारियां हो रही है। इससे लोगों के सांस की बीमारी अधिक हो रही है। पशु पक्षियों के लिए भी पटाखों का शोरगुल और धुआं बेहद खतरनाक है, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब देखें पकड़ के खास दिवाली की पूर्व संध्या पर मैं पूरे जिला सिरसा के निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि बच्चे भी और बुजुर्ग सभी कम से कम पटाखे जलाएंगे। पहले भी बच्चों ने और निवासियों ने काफी सहयोग दिया है जिससे प्रदूषण की मात्रा काफी कम है और कल दिवाली के अवसर पर भी मैं आशा करता हूँ कि बच्चे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाएंगे और वो भी कम से कम जलाएं ताकि प्रदूषित वातावरण ना हो। 8 से 10 2 घंटे का है, पर मैं ऐसा कहता हूँ कि त्यौहार मनाना जरूरी है लेकिन कम से कम पटाखे जलाएं तो और अच्छा रहेगा। दिवाली की पूर्व संध्या पर मैं पूरे जिला सिरसा के निवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि बच्चे भी और बुजुर्ग सभी कम से कम पटाखे जलाएंगे। पहले भी बच्चों ने और निवासियों ने काफी सहयोग दिया है जिससे प्रदूषण की मात्रा काफी कम है और कल दिवाली के अवसर पर भी मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाएंगे और वो भी कम से कम जलाएं ताकि प्रदूषित वातावरण ना हो। 8 से 10 2 घंटे का है, पर मैं ऐसा कहता हूँ कि त्यौहार मनाना जरूरी है लेकिन कम से कम पटाखे जलाएं तो और अच्छा रहेगा।